सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, A to Z चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इस वीडियो को पूरा देख लेते हो समझ में आता है तो अब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैं काफी सालों से इन्वेस्ट करता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? काफी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में वो डूब जाएगा तो क्या करेंगे, फंस जाएगा तो कैसे निकलेगा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये भी लोगों के मन में सवाल होता है। तो ये भी वीडियो के एंड में बता दूंगा क्या इसमें शेयर मार्केट में पैसा फंसता है, फ्रॉड तो नहीं होता है ना। सो वीडियो पूरा देखिएगा। सो चलिए जान लेते हैं फटाफट। सबसे पहले शेयर मार्केट काम कैसे करता है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर मार्केट, जैसे इंडिया में काफ़ी सारा कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी कंपनी है इंडिया में। तो कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी बंदा स्टार्ट करता है स्टार्टअप, जो भी धंधा स्टार्ट करता है तो उसको पैसा की जरूरत पड़ता है। तो उसके पास दो ऑप्शन होता है पैसा लेने के लिए, एक तो बैंक के पास जाके बैंक से लोन ले सकता है, दूसरा होता है अपने शेयर को सेल कर सकता है पब्लिक में, उस पैसा को लेके अपना धंधा में लगा सकता है, बिजनेस में लगा सकता है। तो अगर बैंक में जाता है, बैंक से लोन लेता है, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और जो अमाउंट होता है वो भी पे करना पड़ेगा। और शेयर मार्केट में जाके शेयर जो अपना कंपनी के शेयर लोगों के साथ बेचेगा तो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसी में से उसको मिल जाएगा। तो शेयर बेचने के लिए ऐसा नहीं कि जाके किसी बाजार में मंडी में ले जाके बेचती है कोई भी कंपनी, ऐसा नहीं। उसके लिए सिस्टमेटिक तरीका होता है, अपना इंडिया में दो मार्केट है, मार्केट में जाना होता है शेयर बेचने के लिए। दो मार्केट है जिस मार्केट का नाम है, एक NSE एक BSE। तो NSE के फुल नेम होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में से किसी भी जाके किसी भी मार्केट के पास जाके अपना शेयर लिस्टिंग कर सकता है कोई भी कंपनी, लेकिन उसका जो रूल होता है उसको फुलफिल करना होता है। तो कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होती है, जो अपना शेयर बेचना चाहती है, तो जाके उसमें दोनों में लिस्टिंग कर सकती है, ऐसा ही करती है कंपनी, करना होता है। आप लोग IPO का नाम सुने होंगे, तो फर्स्ट टाइम जब शेयर जो लिस्टिंग हो तो रुको जरा सबर करो बोल सही। काफ़ी सारा कंपनी का जो है शेयर लिस्टिंग है NSE BSE में, और किसी भी बंदा को शेयर खरीदना होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसको डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इंडिया में काफ़ी सारे ब्रोकर है, किसी के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हो डीमैट अकाउंट, उसके बाद शेयर खरीद सकते हो। तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना होता है, तो जैसे इंडिया में बहुत सारे हैं, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, और भी बहुत सारे इंडिया में ब्रोकर हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलोगे तो वहाँ पर NSE BSE दोनों मार्केट शो होगा, वहाँ से लिस्टिंग रहेगा, वहाँ पे आप जाके अपना कोई भी जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो वहाँ से खरीद सकते हो। और म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट सिमिलर है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप खुद से शेयर नहीं खरीदना होता है, एक प्रोफेशनल आपको वहाँ इन्वेस्टर मिल जाता है, यानी प्रोफेशनल वहाँ पे फंड मैनेजर मिल जाता है जो आपको पैसा का मैनेज करेगा और करता है। तो वहाँ पे आपको जाकर पैसा उसको देना होता है और वो इन्वेस्ट करता है अपने हिसाब से कंपनी में। और स्टॉक में क्या होता है, खुद से आप रिसर्च करते हो, कंपनी देखते हो कौन सा कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, कंपनी का रूल रेगुलेशन पढ़ते हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ के उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। तो इसी तरीके से शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसमें फ्रॉड तो नहीं होता है ना। तो देखिए, अगर आप बैंक में पैसा डालते हो, रखते हो, डिपॉजिट करते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा कुछ परसेंट चांस है कि इधर उधर फ्रॉड होने का, लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी 100% आपका पैसा सेव रहेगा, थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि इधर उधर होगा ना फ्रॉड होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो आपको लगता है कि इसमें फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे आपका पैसा को देखभाल करने के लिए हजारों लोग काम करते हैं। सेबी जो इंडिया में गवर्नमेंट का एक संस्था है जो रेगुलेट करती है, सेबी के अंडर में दोनों, तू समझा? हाँ, ये तो सेबी को पूरा देखभाल करना होता है, सेबी देखती है। और कोई भी कंपनी अगर इधर उधर फ्रॉड करती है तो उस कंपनी को सेबी जो है बैन भी कर सकती है, बैन होता भी है, कंपनी काफ़ी सारा कंपनी बैन भी हो चुका है। बीच में आप लोग अडानी वाला केस आया था, आप लोग सुने होंगे न्यूज़ पे, तो बार बार जो है इसके बारे में डिबेट चलता था, तो बार बार उसमें कोई कोई बोलता था कि सेबी क्या कर रही है, सेबी इसको क्यों नहीं देख रही है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सेबी का नाम सुने होंगे, तो सेबी जो है पूरा जितना भी सिस्टम है, जितना भी मार्केट बाजार जो भी है, इसमें सब कुछ टेक्निकल जो भी एनालिसिस करती है, सब कुछ देख रेख करती है ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। तो आपका पैसा 100% सेव होता है और फ्रॉड होने का इसमें चांस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। तो इस तरह से सारा सिस्टम काम करता है। और आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना होगा। डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा, काफ़ी लोग बना कर रखे हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो
किसी भी ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, उस पर मैं अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट करोगे तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा किसी भी ब्रोकर के साथ में कैसे अकाउंट खोलते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अदर वीडियो पार्ट टू पार्ट थ्री करके ऐसे वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप देख कर समझ पाओगे। मिलते हैं आप लोगों से किसी अदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।